गुरुग्राम में एक स्कूटी सवार एमबीबीएस छात्रा को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर कई घंटों तक जाम लगाया और ग्रामीणों के इस गुस्से के सामने जिला प्रशासन गहरी नींद से जाग गया। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कहां हुआ है दर्दनाक हादसा और ग्रामीणों के गुस्से के बाद कैसे प्रशासन की गहरी नींद टूटी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। रविवार शाम तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच सेक्टर 46 चौक पर एक स्कूटी सवार एमबीबीएस की छात्रा को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। उसकी स्कूटी सड़क पर गिर गई और छात्रा के पैर के ऊपर से ये ट्रक चला गया, जिसके वजह से छात्रा का पैर बुरी तरह से कुचला गया और वो बुरी तरह से डैमेज हो गया है। इसकी सूचना जैसे ही झाड़सा गांव और सेक्टर 46 की जलवायु विहार कॉलोनी में फैली, उसके बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत सेक्टर 46 चौक पर पहुंचे और वहीं ट्रक को पकड़ लिया। चूंकि ये घटना पुलिस चौकी के बिल्कुल नजदीक हुई थी, पुलिस मौके पर थी और पुलिस ने भी आरोपी ड्राइवर को तुरंत हिरासत में ले लिया। उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने यहां पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि यहां पर स्पीड ब्रेकर जो पहले हुआ करते थे उसको जिला प्रशासन ने हटा दिया, जिसकी वजह से यहां पर सड़क पार करने वालों को हमेशा सड़क हादसे का डर लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने पहले प्रशासन से मांग ना की हो कि यहां पर ब्रेकर्स बनाए जाएं, बल्कि आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले भी झाड़सा के गांव के लोगों ने यहीं पर स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर ट्रैफिक जाम किया था। उस दौरान जीएमडीए ने वादा किया था कि कुछ ही दिनों में यहां पर स्पीड ब्रेकर बना दिए जाएंगे, लेकिन शायद गहरी नींद में सोए हुए जिला प्रशासन की नींद नहीं खुल पा रही थी और आज उसकी वजह से एक मेडिकल की छात्रा को अपनी टांग गंवानी पड़ी है। क्या हुआ था, ब्रेकर के लिए 10 बार इकट्ठा बोल दिया गांव, ब्रेकर नहीं बने और स्पीड मार रहा और नो एंट्री के अंदर आया है गाड़ी लेकर के। नो एंट्री में कैसे आया? रुको, आ गया। आपकी बच्ची थी? मेरी पोती है। शालू क्या करती है बाबू? बच्ची डॉक्टरी का कोर्स कर रही है। तो पहले भी आप लोगों ने कई बार मांग की है ब्रेकर की? एक बार नहीं, कुछ 10 बार। गाँव में इकट्ठा हो जाए, प्रशासन आश्वासन दे जाए, प्रशासन काम ही नहीं करता। यहाँ हमारे जलविहार कॉलोनी की गुड़िया है, वो 5 बजे के आसपास स्कूटी से आ रही थी इधर से, तो यहाँ ब्रेकर ना होने के कारण से यहाँ गाड़ियाँ बहुत स्पीड से जाती हैं और ये तो लोड है गाड़ी, ये इसने तो बिल्कुल वैसे भी आराम से चलना चाहिए, तो उसके ये इसने उसका मतलब एक्सीडेंट हो गया, पैर उसका बिल्कुल अलग हो गया। ड्राइवर हाँ, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया है। उससे पहले भी 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पर भी, और 2 बार एसडीएम मैम ने भी यहाँ पे आकर के आश्वासन दिया था कि मैं 2 दिन में ब्रेकर बनवा दूंगी, आज से 20 दिन पहले, और आज तक ब्रेकर नहीं बना यहाँ पर। तो हम परेशान होकर के अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए हमने ये जाम लगाया है, ताकि ब्रेक मांग हमारी यही है, यहाँ 2 ब्रेकर बन जाए जलविहार कॉलोनी कट पे, सेक्टर 46 के कट पे 2 ब्रेकर बन जाए और एक इधर जो अपना ये साइबर पार्क के इधर 2 ब्रेकर बन जाए, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ बहुत स्पीड में निकलती हैं। इस हादसे के बाद ग्रामीण इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कई घंटों तक इस सड़क को जाम कर दिया और सड़क के बीच में पत्थर रख दिए। जब वहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे होने लगे तो गुरुग्राम पुलिस के भारी संख्या में जवान भी वहां मौके पर पहुंच गए, ताकि किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ना बिगड़ जाए। लोगों ने वहां पर जमकर नारेबाजी की, विरोध किया कि यहां पर जो स्पीड ब्रेकर थे उनको वापस लगाया जाए। लगातार यहां पर सड़क हादसे होते हैं, स्पीड में लोग गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने 20-25 दिन पहले जो वादा किया था उस वादे को वो शायद भूल गए थे। इसीलिए ग्रामीणों की पूरी तरीके से मांग थी कि जब तक यहां पर ब्रेकर नहीं बना दिए जाएंगे तब तक यहां पर इसी तरह से ट्रैफिक जाम रहेगा। आखिरकार गहरी नींद में सोए हुए प्रशासन की नींद जागी और उसके बाद मौके पर एसडीएम, जीएमडीए की टीम, तहसीलदार, इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। तुरंत रात में ही 10 बजे मौके पर स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए मशीनें मंगाई गई, तारकोल मंगाए गए और रात में ही यहां पर स्पीड ब्रेकर बनाने का काम किया गया। आखिरकार अधिकारियों ने भी माना कि आज से 20 दिन पहले लगभग झाड़सा गांव के लोगों ने ट्रैफिक जाम किया था स्पीड ब्रेकर की डिमांड को लेकर, लेकिन अधिकारी खुद ये कह रहे हैं कि यहां पर नई सड़क बनी है इसीलिए स्पीड ब्रेकर नई सड़क बनने के बाद ही बनाए जाते हैं। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस ने भी इस पूरे मामले में आरोपी ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभी हमने जीएमडीए की टीम को बुला दिया था उसी टाइम, और वो लगे हुए हैं, आप देख भी रहे हैं, जेसीबी और सभी सामान मंगा दिया है हम, जिस अभी यहाँ पे ब्रेकर लगवा रहे हैं। पहले भी डिमांड थी इनकी, पहले भी जाम लगाया था, तो जीएमडीए के जितने भी एक्सीएन एसडीओ जेईआई भी थे और उन्होंने कहा था कि हम इसको लगा देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि काम चल रहा था, लेकिन आज ये लगा के जाएंगे।
सर पहले भी यहाँ ब्रेकर्स थे तो हटा दिए गए, दूसरा कोई कारण? क्योंकि रोड का काम चल रहा है, रोड नया बन रहा है, जब भी कोई रोड नया बनता है तो ब्रेकर हटा के ही बनता है, उसके बाद जो भी मेजरमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रेकर दोबारा बना दिए जाते हैं। अभी शाम को तकरीबन 6:30 बजे के करीब एक रोड दुर्घटना यहाँ पे हुई है, जिसमें एक 19 वर्ष की छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं। एक ट्रेलर था जिसकी टक्कर हुई साथ में एक स्कूटी के साथ, जिसपे बच्ची जा रही थी, तो बच्ची को अभी हॉस्पिटल भेजा गया है, वहाँ उनका उपचार चल रहा है। और जो ट्रेलर है उसके ड्राइवर को राउंड अप हमने कर लिया है और परिवार से शिकायत लेकर के उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो नियमानुसार की जाएगी। सर लोगों ने जाम भी लगा दिया था उसको? जी, लोगों ने आक्रोशित होकर के कुछ अभी रोड जैम किया था, तो उन्हें समझा करके रोड हटा, जो जैम है वो खुलवा दिया गया। बेसिकली उनकी डिमांड है कि यहाँ पे ब्रेकर्स बने जाएं। अभी हाल ही में यहाँ पे नए रोड बने थे तो जो ब्रेकर्स थे वो अभी तक नहीं बन पाए थे क्योंकि रोड का काम पूरा नहीं हुआ था। तो अभी जो टीम है वो आ गई है संबंधित विभाग की, वो टेम्पररी ब्रेकर्स यहाँ पे बना रहे हैं। सेक्टर 46 चौक पर ये सड़क हादसा ठीक उसी जगह पर हुआ है जहां पर कभी स्पीड ब्रेकर हुआ करते थे और जहां पर ग्रामीण स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे थे। लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण तो ये सड़क हादसा हुआ ही है, लेकिन क्या लापरवाही उन अधिकारियों की भी नहीं बनती है जिन्होंने 20 दिन पहले ग्रामीणों की मांगे सुन ली और गहरी नींद में जाकर सो गए? अब देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन केवल ट्रक ड्राइवर के खिलाफ ही कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे या फिर उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है जिन्होंने मांग को सुनकर अनसुना कर दिया। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।